सीतामढ़ी जंक्शन पर 10,000 की संख्या में परदेश जाने के लिए उमड़ी मजदूरों की भीड़। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, सीतामढ़ी जिला में बेरोजगारी का कहर है जारी। प्रतिदिन 10,000 मजदूरों से ऊपर कर रहे हैं परदेश जाने के लिए यात्रा। आइए आपको पुष्टि कराते हैं यहाँ पर कुछ मजदूर भाइयों से। किस कारण से यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर? इसका कारण ये है कि बिहार सरकार यहाँ की गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं पा रहे हैं जी, रोजगार यहाँ है ही नहीं पहली बात, तो फिर जो है आदमी को मजबूरी में वहाँ जाना पड़ रहा है। अगर रोजगार यहाँ मिलेगा तो क्यों जाएगा आदमी, जरूरत ही नहीं है जाने का। जिला अंतर्गत पिछले 24 घंटे के अंदर विशेष अभियान चला करके 37 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। DSP हेडक्वार्टर रामाकृष्णा के द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, दारू तस्करी, चोरी, डकैती, वाहन जांच, अन्य कई मामले में 24 घंटे के अंदर विशेष अभियान चला करके कुल 37 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया है। इसकी जानकारी सीतामढ़ी DSP हेडक्वार्टर से रामाकृष्णा ने दी है। सीतामढ़ी बेलसंड अनुमंडलीय सुरक्षा कर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाने से जिले में मचा हड़कंप। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, सीतामढ़ी जिले में कोरोना फिर से दस्तक दे रही है। जिला अधिकारी मनीष कुमार मीणा ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा, अस्पतालों में पहुंचने वाले सभी पेशेंटों को जांच करना बहुत ही जरूरी है। इसकी जानकारी चिकित्सा पदाधिकारी हेमंत कुमार ने दी है। बाल विवाह रोकथाम के लिए अब गांव-गांव में जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जाएगा लोगों को जागरूक। यह तस्वीर अभी आप देख रहे हैं सुपी प्रखंड के मरपा की है, जहां पर बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यक्रम रख करके लोगों को किया जा रहा है जागरूक। जिला प्रशासन और जिला अधिकारी ने दिया निर्देश, बाल विवाह कराने वाले पर होगी अब कानूनी कार्रवाई। जिला अधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि बाल विवाह कराने वाले पंडित सबसे पहले किए जाएंगे गिरफ्तार। SP हरकिशोर राय के निर्देश अनुसार सुपी थाना प्रभारी ने अगता से 2 दारू तस्कर को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। सीतामढ़ी जिले में दारू तस्करी रुकने का नाम नहीं, कहीं न कहीं प्रतिदिन दारू तस्कर लगभग आधा दर्जन से ऊपर पकड़े जा रहे हैं, जिस पर SP हरकिशोर राय की पूरी निगरानी है। और इसके अलावा भी कई टीमें अलग से भी बहाल किया गया है, पर सीतामढ़ी जिले में दारू तस्कर प्रशासन के साथ आंख मिचोली का खेल प्रतिदिन खेलते आ रहे हैं। सीतामढ़ी सुपी से दीपक पटेल की रिपोर्ट।